ये तस्वीरें आपके होश उड़ा देंगी, आप इनको देखकर हैरत में पड़ जाएंगे। मगर जब हम आपको ये बताएंगे कि ये कोई वारदात स्थल नहीं है, बल्कि ये जनपद संभल पुलिस की आगामी त्योहारों और अयोध्या मसले को लेकर विपरीत स्थिति से निपटने के लिए एक मॉक ड्रिल कराई जा रही है, जो कि एसपी संभल के नेतृत्व में हो रही है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि पुलिस लाइन में दंगा नियंत्रण ड्रिल रिहर्सल कराया जा रहा है, जिसमें कई पुलिस कर्मियों द्वारा हथियारों का प्रयोग और आंसू गैस के गोले का रिहर्सल भी कराया जा रहा है। आपको बता दें कि जिस तरह से आगामी त्योहार और अयोध्या मसले में फैसला आना है, उसको लेकर जिले भर की पुलिस एक्टिव मोड में नजर आ रही है और शहर में भ्रमण के साथ साथ लोगों से जनसंवाद भी कर रही है। आने वाले समय में सभी त्योहारों और जनपद की सेंसिटिविटी को देखते हुए आज जनपद संभल में एंटी राइड ड्रिल का प्रैक्टिस किया गया है। पुलिस लाइन में यहाँ पे सभी थाना अध्यक्षों को और उनके जो हमराही हैं, जो हथियार लेकर के चलते हैं, उनको कैसे यूज करना है, कैसे उसको व्यवस्थित करना है, इन सभी की ट्रेनिंग दी गई है। एंटी राइड ड्रिल में दो पार्टी बना करके उनको सिमुलेट किया गया है कि कैसे दंगाई जब अनियंत्रित हो जाएंगे तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे। टीयर गैस गन, सेल और जितने इक्विपमेंट हैं, उन सभी का प्रदर्शन आज किया गया है। भले ही राम मंदिर का फैसला कैसा भी आए, किसी के भी फेवर में हो, स्थिति विपरीत हो या नहीं, लेकिन पुलिस अपने में कोई किसी तरह की कमी नहीं छोड़ना चाहती। वह पहले से ही अपने आप को हर स्थिति से निपटने के लिए सक्षम बना रही है। जनपद संभल से तेज निगाह के लिए गजराम सिंह यादव की रिपोर्ट।